साथियों, आप लोगों को संभवतः पता हो, उस समय जो महाराणा प्रताप के साथी थे, सहयोगी थे, वो युद्ध भूमि में महाराणा के साथ अपना भी योगदान दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने करवट बदली, स्थितियां बदली, लेकिन स्वाभिमानी लोग मुगल सल्तनत के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और इसलिए उस समय के राणा प्रताप के जो साथी थे, उसमें जो आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ करके राणा प्रताप को साथ दिया था, उन्होंने अपने प्राण प्रिय धर्म के लिए, अपने प्राण प्रिय महाराणात के लिए या तो मौत चाहिए या तो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य चाहिए, ऐसा कह करके फिर से विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के गुजरात के यहां से सटे हुए इलाके के लोग हो, राजस्थान के हमारी इस आदिवासी धरा के लोग हो, वे लोग यहां से चल दिए थे। और निकल करके कुछ लोग महाराष्ट्र गए, कुछ लोग कर्नाटका गए, और उसमें कर्नाटका में आज भी वो गौरव से जीते हैं। उस समाज को वहां के लोग हक्की पिक्की समाज के नाम से जानता है और वो जड़ी बूटियों का काम करते हैं और कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं, आज भी राणा प्रताप का गौरव गान करते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे साथी अब अपने काम के लिए जंगलों से जड़ी बूटियां लेकर के सूडान और अफ्रीका के देशों में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं। ऐसे ही हक्की पिक्की समुदाय के सैकड़ों साथी कुछ सप्ताह पहले सूडान में चल रही लड़ाई में फंस गए थे। बीजेपी की हमारी सरकार इन भाइयों बहनों को सूडान से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी राजनीति को देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हल्ला करना शुरू कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, दूसरा महाद्वीप, दूसरा देश, चारों तरफ गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, बम फूट रहे हैं, आग लगी हुई है, हर तरफ लड़ाई चल रही है, और यहां कांग्रेस शोर मचा रही थी इन समाजों के लिए। और उसका परिणाम ये आया कि यहां की चिल्लाहट का पता वहां चलने लगा, अच्छा भाई कुछ लोग यहां पर है, चलो ढूंढो। अब ये लोग मौत के साये में जीते थे, चुपचाप बाहर लाना था, लेकिन ऐसी कांग्रेस वालों ने गलतियां करके उनका चेहरा जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस ने इस आदिवासी साथियों की जान खतरे में डाल दी थी। और ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एकाध को तो लग ही जाएगी, और अगर एकाध को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई, फिर तो उनको कर्नाटक के चुनाव में खेल खेलने का मजा आ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई, मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है।
वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है। संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। साथियों, मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। आप ही मेरे मालिक हैं। साथियों, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों की जान बचाई, इतना ही नहीं दूसरे देशों को भी मदद की।